आज न्यूक्लियस के हम लोग सेकेंड लेक्चर में आज पढ़ेंगे कि तुमको जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होता है ऑक्सीजन एटम का, जो कि करीब करीब 7 पॉइंट तुमको आ रहा था, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आया होगा, जिसका पिछले लेक्चर में हम लोग लास्ट में सॉल्व किए थे। तो इसी प्रकार बाकी न्यूक्लियस के लिए भी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसको हम लोग EBN वैल्यू भी कहते हैं, EBN वैल्यू तुमको और एटॉमिक मास नंबर जो है उसके बीच का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यह देखा जाता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तुमको मास नंबर 30 से लेके 170 के बीच में वह लगभग कांस्टेंट आता है, जो कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहेगा, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कांस्टेंट आएगा। उसमें Fe के लिए उसका मान सबसे अधिक होता है, दैट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के डाटा से पता है कि तुमको जो कि एटॉमिक नंबर बाइंडिंग, इसका जो ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर के ग्राफ से पता है कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है तुमको एटॉमिक मास नंबर 30 टू 170 के बीच में इसका वैल्यू लगभग कांस्टेंट होता है और ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इसको लिख सकते हैं द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज हाईएस्ट और बिटवीन 30 से लेके मास नंबर 170 के बीच में होता है, ये हाईएस्ट होता है EBN वैल्यू। तो यहाँ जहाँ तक कि इसका जो वैल्यू है, दूसरे शब्द में कहें बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर इक्वल्स टू के, कांस्टेंट तुमको होगा, ये तुमको के कांस्टेंट होगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है तुम्हारा, इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये कहां से कहां के लिए, ये जब मास नंबर है अबाउट जो तुम्हारा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, जो तुमको मास नंबर 30 से लेके मास नंबर तुमको 170 के बीच में, इसी बीच में हाईएस्ट होता है तुमको, और ये तुमको 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इस के का वैल्यू तुमको अप्रोक्सीमेटली जो के है तुमको ये 8.5 के आसपास आ जाएगा, 8.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये 8.5 आता है तुमको, तो 8.5 के आसपास आ जाएगा। तो ये तुम्हारा के का वैल्यू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा आ जाएगा पर न्यूक्लियॉन। और Fe के लिए तुमको ये वैल्यू सबसे अधिक होता है, दैट इज 8.75 फॉर Fe EBN वैल्यू जो है तुमको EBN इज इक्वल टू 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाईएस्ट है, ये सबसे अधिक है, थोड़ा सा ये सबसे ये स्टेबल न्यूक्लियस माना जा सकता है Fe का। दूसरा हम लोग देख रहे थे कि ये तुमको कांस्टेंट है ही सबके लिए और ये तुमको हाईएस्ट भी है। दूसरा जो है तुमको इफ ए ग्रेटर देन 130 हो जाए, ये 170, ए ग्रेटर देन 170 द न्यूक्लियस हैज लेस बाइंडिंग, लेस ईबीएन वैल्यू लीड्स टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस टू स्मॉलर न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस टू स्मॉलर न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस में ये डिसइंटीग्रेट करने के लिए लीड करता है, इट इज कॉल्ड तुमको ये
फीजन कहलाता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फीजन, न्यूक्लियर फीजन कहलाएगा ये। चूंकि यूरेनियम के लिए जहां तक था, ये यूरेनियम के लिए ईबीएन वैल्यू फॉर यूरेनियम 92-235 इज इक्वल्स टू अबाउट होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये कम होता तो ये जाना चाहेगा कि तुमको किसकी ओर जाए, ये न्यूक्लियर ये जो न्यूक्लियर से टूट करके ये तुमको ज़्यादा स्टेबल A32A70 के बीच में ये जाने की टेंडेंसी रखता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। तीसरा हो सकता है तुमको जब तुमको EBN वैल्यू, ये तुमको यहाँ पर ए ग्रेटर देन 170 के लिए था, अब A less than 30 के लिए देखें, ए ग्रेटर देन 170 था, अब ए लेस देन 30 स्मॉलर न्यूक्लियस हैज ईबीएन वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस, सो दीज न्यूक्लियस कंबाइंस टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लियस, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, और इसका जो तुमको वैल्यू होगा ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा, जिसका कि वैल्यू तुम्हारा ये तुम्हारा जो है ऑक्सीजन वैरी के लिए भी 7.6 वैरी के आसपास था, तो वो लगभग तुमको इस रीजन में आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन वैरी के लिए तुमको 2-4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, काफ़ी लो होता है वैल्यू। तो ये सब न्यूक्लियर चाहेंगे ये कंबाइन करके किस रीजन में जाएं, और ये तुमको न्यूक्लियर फ्यूजन करके जो कंबाइन करके तुमको स्टेबल न्यूक्लियस के रेंज में जाने का कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या करेंगे और इनर्जी लिबरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये तुमको ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रिंसिपल होता है, ये तुमको हाइड्रोजन बम का बनाने का प्रिंसिपल होता है, और ये एटम बम बनाने का प्रिंसिपल ये होता है, क्योंकि ये तुमको न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, और रेडियो एक्टिविटी के बाद हम लोग फिर न्यूक्लियर एनर्जी में आएंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को फिर से हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इससे ये पता चला कि तुमको सबसे स्टेबल जो रीजन है तुमको वह 30 से लेके 170 का रीजन है, जो कि 170 से ज़्यादा मास नंबर वाले हैं वो भी अनस्टेबल होंगे, और जो 30 से कम वाले हैं वो भी स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वह तो उनको कंबाइन करें, जो छोटे वाले हैं वो कंबाइन करके न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, और जो कि बड़े न्यूक्लियस हैं वह न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब जिसमें कि ब्लिस्टिंग क्रिएट करके छोटे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। अब है हमारा अगला है तुमको टॉपिक, जिसमें कि हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पहले देखेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है तुमको, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी इसका जितना है, इससे तुमको एक जो क्रिएट होता है एक फोर्स होगा, जो कि इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, बाइंड किए हुए रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। जो न्यूक्लियस को तुमको न्यूक्लियस के बीच में, जहां तक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, कूलम्स के सिमिलर चार्ज कारण, जब रिपल्सन फोर्स उसमें लग रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाए रखते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि उसके बीच में एक जो है तुमको बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स का के बीच का रहता है, इट लीड्स टू ए फोर्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है 0.8 फर्मी से कम होने पर ये रिपल्सिव, 0.8 फर्मी से कम होने पर ये रिपल्सिव हो जाता है, अदरवाइज ये नहीं तो एट्रैक्टिव होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज डेवलप्ड
डेवलप्ड विच काउंटर बैलेंस, विच काउंटर द रिपल्सन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन का फोर्स होता है सिमिलर चार्ज ना, उसको क्या करता है, काउंटर बैलेंस काउंटर करेगा, ये काउंटर करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये रिपल्सन को काउंटर बैलेंस करेगा। और तुम्हारा दूसरा हो गया ये जो न्यूक्लियर फोर्सेज हो गए, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेज तुमको जो है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, इन तुमको न्यूक्लियर फोर्स जहाँ तक होता है न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगर देन क्या होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स से ज़्यादा होगा तुमको जो, और ये ग्रेविटेशन फोर्स से सबसे छोटा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे छोटा होगा इन शॉर्ट रेंज, इन शॉर्ट रेंज ये सबसे अधिक होता है। द न्यूक्लियर फोर्स ड्रॉप्स टू जीरो फॉर लार्ज डिस्टेंस, द न्यूक्लियर फोर्स ड्रॉप्स टू जीरो फॉर लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस में ये जीरो हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स इज, न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव, इज रिपल्सिव इन नेचर फॉर आर लेस देन 0.8 गुना 10^-5 फेमटोमीटर, 0.8 फेमटोमीटर से छोटा होने पर ये रिपल्सिव हो जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स इज एट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्स इज एट्रैक्टिव फॉर आर ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, एक फर्मी का मतलब 10^-15 मीटर, तो वन फर्मी का मतलब हो गया 1 फेमटोमीटर 10^-15 मीटर, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के रेंज में होगा। न्यूक्लियस में भी ये तुमको बहुत छोटा हो गया, 10^0.8 फर्मी से छोटा होने पर ये रिपल्स। और इसका कोई भी जो है न्यूक्लियर फोर्स का अभी तक हम लोग कोई भी फार्मूला उस ढंग से डिराइव नहीं कर पाए हैं जो कि इसको क्या कर सके, इसको जैसे फार्मूला के रूप में इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सके, ऐसा हम लोग अभी तक इसमें सब सक्सेसफुल नहीं हो सके हैं। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब न्यूक्लियर फोर्स के बाद अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स जिसमें कि हम लोग ये देख रहे थे कि जो लार्ज न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं तुमको, लार्ज न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर पर न्यूक्लियन दैट इज ईवीएन वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो वह जो है तुमको डिसइंटीग्रेट करके वह चाहते हैं कि वह छोटे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करें। इस प्रक्रिया में वह कंटिन्यूसली अल्फा बीटा और गामा तीन प्रकार के रे का इमिशन करते हैं जिसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो लार्ज न्यूक्लियस तुमको उसके अनस्टेबल होने के कारण वो अल्फा बीटा गामा रे का इमिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या हुआ, और रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है हेनरी बेकरेल को जाता है, और हेनरी बेकरेल ने तुमको जब एक्सीडेंटली जो है देखा कि यूरेनियम के किसी मिनरल पे वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट को वह तुमको जो कि फोटोग्राफिक प्लेट काफ़ी रैप्ड करके रखा हुआ था उसको जो है पेनिट्रेट करता हुआ जो है कुछ उसको मतलब क्या कर दिया उसको उसमें जो है फॉस्फोरेंस डेवलप कर दिया, जिससे को उनको लगा कि इस जाहिर है कि यूरेनियम से ही निकल करके आ रहा है कोई रे, और उसी के बाद जो है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे पहले रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी द लार्ज न्यूक्लियस, जैसा कि अभी देखे ईवीएन वैल्यू कम होता है, इज अनस्टेबल इट इमिट अल्फा बीटा एंड गामा रे
एंड गामा रे कंटिन्यूसली इट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। और इसका डिस्कवरी जैसे जाहिर कि जैसा कि बताया कि हेनरी बेकरेन ने किया था यूरेनियम के, एक्सीडेंटली उन्होंने देखा कि ये तुमको रे इससे इमिट हो रहे हैं। और अल्फा बीटा गामा डीके इसका तुमको इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है न्यूक्लियस पर। और इसके बाद तुमको जहाँ तक है कि ये तुमको इसका लॉ क्या है, इसके लॉ को बाद में मैडम क्यूरी ने तुमको रेडियो एक्टिविटी पर काफ़ी रिसर्च किया और जाहिर है कि उनका जो है काफ़ी योगदान माना जाता है तुमको रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरी, जिसमें रेडियम का डिस्कवरी, रेडियम के रेडियो एक्टिविटी, इन सब पर काफ़ी जो कि तुमको उनका रिसर्च है जिसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के नोबेल प्राइज़ उन्हें मिले हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए उनकी बेटी को जूलियट क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला, उनके हस्बैंड को भी रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में ही नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। एक ही फैमिली में चार नोबेल प्राइज़ रेडियो एक्टिविटी के ही डिस्कवरी से रिलेटेड उनको मिला है। तो रेडियो एक्टिविटी का जहाँ तक है तुमको लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक कहते हैं किस ढंग से ये तुमको डिसइंटीग्रेट करते हैं, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस तो रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन होता है, ये लॉ उन्होंने देखा कि ये डिस्कवर किया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जितना रेट का जो रेट होता है कितना किस रेट से वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होंगे, यह उस न्यूक्लियस के नंबर पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस ज़्यादा होगा तो उसका डिसइंटीग्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन इफ एन इज द number of nucleus at time t and dn nucleus disintegrates in time dt then the rate of disintegration minus dn by dt, ये नेगेटिव साइन के चूंकि न्यूक्लियस घट रहा है तो ये dn नेगेटिव होता है तो माइनस dn by dt और लेस देन क्या होगा तुमको प्रोपोर्शनल टू n, जिससे कि ये कॉन्स्टेंट पॉजिटिव आ सके। तो ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन तुम्हारा जो माइनस dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू n, तो माइनस dn by dt इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं लेमडा n, ये रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट, ये लेमडा इक्वल्स टू रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट इसको कह सकते हैं, रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट इसको कहते हैं। तो दैट्स इक्वल्स टू माइनस dn by dt इक्वल टू लेमडा n इफ n naught is number of nucleus at t बराबर जीरो which turns to n at time t में, पहले इनिशियली अगर n नॉट था जो कि t टाइम के बाद n बचा है तो इसका जो इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा तो माइनस dn by n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है लेमडा dt।
तो ये जीरो टाइम पर ये तुमको था, इसमें एन नॉट था तुम्हारा इसका वैल्यू न्यूक्लियस का, जो कि टी टाइम में तुमको हो गया, जो टी टाइम में घट के एन बच गया, जो टी टाइम में घट के एन बचा। तो माइनस डी एन बाय एन का जो इंटीग्रेशन है, इधर लिखते हैं माइनस डी एन बाय एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एन, यहां से आगे फर्दर लिखते हैं माइनस लॉग एन हो गया, ये तुमको यहां पर जो है एन से एन नॉट हो गया, दैट्स इक्वल टू लेमडा, और जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया जीरो टू टी, तो दैट्स इक्वल टू माइनस लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इक्वल टू लेमडा इन टू टी माइनस जीरो। तो माइनस लॉग एन ई बेस पे एन बाय नॉट, लॉग में निगेटिव मतलब बाय में डिवाइड होता है, दैट्स इक्वल टू लेमडा इन टू टी। तो ये तुम्हारा आ गया इसका वैल्यू आ गया, और जिसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग जैसे माइनस को इनसाइड भेज दें तो एन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी वे लिख सकते हैं, माइनस को इधर दे दिए फिर ई जो है यहाँ पे ये बेस जो है तुमको ई पावर दे दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये एन का इतना वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो जाहिर है कि एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी या माइनस लॉग एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू लेमडा टी, ये तुमको दो फॉर्म में हो गए। जहां तक कि लॉग अगर टेन बेस में होगा तो टेन बेस में है तो इसको बेस चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इसका बेस चेंज करना है ई से नेचुरल बेस से हम लोग टेन बेस में अगर लाना चाहें तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो इसका जो कि तुमको फॉर्मूला का ये जो फॉर्म हो सकता है तो कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये तुमको नेचुरल बेस से हम लोग अगर 10 बेस में ला करके इस फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे तो हम लोग को 2.303 आगे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा 2.303 इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.303 माइनस को रहने दीजिए इधर ही लॉग 10 बेस पर ले लीजिए, ई बेस से बेस चेंज हो गया एन बाय एन नॉट इक्वल्स टू लेमडा इन टू टी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्म है तुम्हारा। तो इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है जो कि लॉग टेबल का यूज करेंगे तो इसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, चूंकि हमारा 10 बेस का लॉग दिया हुआ होगा तो उसके 2.303 का यूज करना पड़ेगा। अब है हमको ये जो तुम्हारा है जब रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस है यह तुमको डिसइंटीग्रेट होते रहता है तो एक ऐसा भी टाइम आएगा हाफ लाइफ जितना में कि उसका जो कि तुमको है कि उसका जो वैल्यू है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर इनिशियल का आधा हो जाए, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, दैट टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर न्यूक्लियर बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड दैट इज कॉल्ड टी हाफ लाइफ पीरियड जितना दिन में ये जितना टाइम में ये हाफ हो जाए तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा माइनस 2.303 लॉग 10 बेस पर और एन नॉट बाई टू हो गया तो n इज इक्वल टू क्या हो गया n इक्वल्स टू n नॉट बाई टू तो t को लिखेंगे t हाफ, इसको हाफ लाइफ पीरियड कह सकते हैं, ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड तो n नॉट बाई टू माइनस 2.303 लॉग n नॉट बाई टू n नॉट इज इक्वल टू लेमडा इन टू टी हाफ माइनस 2.303 लॉग 10 बेस पर हाफ इज इक्वल टू
लेमडा इंटू टी हाफ, ये तुमको है माइनस 2.303 लॉग 10 बेस पर 2 पर पावर माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ। ये माइनस हो गया, माइनस माइनस तो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया 2.303 इंटू लॉग 2 बेस 10 इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ। लॉग 2 का वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई करके आएगा तो 0.693 इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ। तो टी हाफ का वैल्यू हो गया 0.693 बाय लेमडा। ये हाफ लाइफ पीरियड हो गया, ये हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला हो गया 0.693 बाय लेमडा। एक एवरेज लाइफ पीरियड हम लोग डिफाइन करते हैं, एवरेज लाइफ पीरियड कभी कभी लाइफ पीरियड ये तुमको कभी कभी दैट्स इक्वल टू 1 बाय लेमडा को कह देते हैं एवरेज लाइफ पीरियड। तो इसका कभी यूज आता है हाफ लाइफ पीरियड की, ये तुमको फार्मूला के रूप में अगर एवरेज लाइफ पीरियड है दैट इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा, और हाफ लाइफ पीरियड होगा 0.693 बाय लेमडा, ये तुमको कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। इतना टाइम के बाद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है तुमको अपने इनिशियल वैल्यू का वो हाफ हो जाता है। तो ये तुम्हारा है, इसके लिए तुमको जाहिर है कि एक फार्मूला हम लोग इसके आधार पर बना सकते हैं हम लोग, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफ़ी सुटेबल होता है, जिसका कि हम लोग चर्चा करेंगे अभी थोड़ा देर में। तो ये तुमको पहला जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें 13.4 जो तुम्हारा है, पहले उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो उसमें दिया हुआ 1 ग्राम यूरेनियम है दिया हुआ, जिसका कि हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है तुमको 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स है। तो इसका जो तुमको है निकालना है कि 1 ग्राम का उसकी एक्टिविटी कितनी होगी, 1 ग्राम न्यूक्लियस में जाहिर है कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, तो वह कितना किस रेट से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड उसकी एक्टिविटी कहलाती है। तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। जहां तक यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को हम लोग 1 DPS को कहते हैं रेट, यूनिट जो तुम्हारा है यूनिट भी देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। तो एसआई यूनिट जो होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, उसको हम लोग बेकरेल भी कहते हैं, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बेकरेल। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को हम लोग 1 बेकरेल भी कहते हैं, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को 1 बेकरेल कहते हैं, जिसको मतलब बेकरेल के दिया जाता है। और 1 क्यूरी जो होता है तुमको दैट इज 1 C इक्वल्स टू 3.7 × 10⁻¹ बेकरेल। ये तुमको इसका जो है यूनिट होता है 1 क्यूरी में 3.7 × 10⁻¹ बेकरेल के बराबर होता है। ये 2 यूनिट तुम्हारा यूज में आता है, जाहिर है एसआई यूनिट तो यही है तुम्हारा, इट इज एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है तुमको बेकरेल। तो रेडियो एक्टिविटी का कितना डेज होते हैं, अब जैसे कि जिस एग्जाम्पल के हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 13.4 को देखते हैं। इसका हाफ लाइफ पीरियड यूरेनियम का दिया हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स दिया हुआ है, 10⁻⁹ ईयर्स है तुम्हारा, 10⁻⁹ ईयर्स है इसका हाफ लाइफ पीरियड। तो इसका लेमडा जो होगा तुम्हारा, इसका लेमडा हो जाएगा तुमको 0.693 बाई टी हाफ। तो इसका हाफ लाइफ पीरियड इसको इसका लेमडा का वैल्यू ये रख सकते हैं हम लोग, वहाँ पर ही वैल्यू रखते हैं एक बार में ही। और नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होगा तुमको दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको, 1 ग्राम है, मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम U238 है शायद या 235 व्हाटएवर। तो ये तुम्हारा जो कि होगा 1 ग्राम तुम्हारा दिया हुआ है, 1 ग्राम इसका है, 1 ग्राम दिया हुआ है इसका। तो 1 ग्राम जब दिया होगा तो इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू मास बाय एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास इसका तुमको मोल निकल गया।
तो नंबर ऑफ एक मोल में कितना होता है नंबर ऑफ एटम, एक एटम जैसे नंबर ऑफ एटम निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस ही, क्योंकि एक न्यूक्लियस एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, दैट्स इक्वल टू 1/238 इंटू 6.022 इंटू 10^23 इतना क्या होगा तुम्हारा नंबर ऑफ एटम्स हो गया, नंबर ऑफ ये एटम्स हो गया, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी कर सकते हैं इसको, इट इज नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस हो गया, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू एन हो गया एट ए टाइम। और अब जहाँ तक एक्टिविटी जो हो गया तुम्हारा, एक्टिविटी चाहिए हमें, एक्टिविटी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इक्वल्स टू लेमडा एन, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 0.693/t½ और इंटू एन, तो एन का वैल्यू रख देते हैं टी हाफ का वैल्यू रख देते हैं, दैट्स इक्वल्स टू हमारा 0.693/t½, टी हाफ है हमारा 4.5 × 10^9 ईयर्स, और हम असाइनमेंट में जाना चाहते हैं तो ईयर को हम लोग क्या लाएंगे सेकेंड में, तो ईयर को पहले 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डे में आ गया, डे को आवर में आ गया, आवर से 60 मल्टीप्लाई किया मिनट हुआ, मिनट को 60 में सेकेंड हो गया, ये इतना सेकेंड हो गया। तो पहले आवर ईयर को हम लोग 365 से डे में बदले, डे में 24 से मल्टीप्लाई किया तो आवर, आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट, मिनट को 60 से, ये सेकेंड ऐसा ही आ गया तुम्हारा। और इनटू क्या होगा तुम्हारा, 1 ग्राम है और बाय एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए, और इनटू फिर क्या हो गया तुमको एवोगाड्रो नंबर, ये तुमको नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस का नंबर ये बताएगा। तो ये जो तुम्हारा है इतना जो है तुमको आ जाएगा, इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आ जाएगा, इतना डीपीएस, तो ये आ जाएगा 1.23 × 10^4 बेकरेल, इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड तुमको ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो है 1 ग्राम यूरेनियम में कितना एक्टिविटी होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाए। तो इसका इसको निकालेंगे क्या करना पड़ा, 0.5 लाइफ का दिया हुआ था तो हाफ लाइफ से हम लोग लेमडा निकाल लिए, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे क्या किए, पहले जो है टू उसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मास बाय एटॉमिक मास से मोल आ गया, और मोल में एक मोल में जितना एटम होगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और एक एटम में एक न्यूक्लियस, तो जितना एटम है उतना ही न्यूक्लियस हो गया, और dN/dt इक्वल्स टू लेमडा एन, तो लेमडा और एन का मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है इसका। अब है तुमको एक बता रहे थे कि एक फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जो कि बुक में तो उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर उसको डिराइव कर लें जहां पर लॉग टेबल गिवन नहीं होगा तो उस क्वेश्चन में ये काफी सुटेबली ऑब्जेक्टिव है। जैसे लॉग टेबल अक्सर बहुत से एग्जाम है या बहुत से जगह पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसमें लॉग की का हेल्प नहीं जनरली लेने का कोशिश करता है, तो उस स्थिति में तुम्हें ये फार्मूला जो है रेडियो एक्टिविटी के लिए काफी काफी लाभदायक होगा, यूजफुल होगा हमेशा। तो जिस फार्मूला को मैं लिख देता हूं तो मैं ऑब्जेक्टिव में देखोगे ट्राई करोगे लगभग ये फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले इसको जो है तुमको फार्मूला पर अगर लिख दें, एक फार्मूला n/n₀ = ½ to the power t/t½, ये तुमको फार्मूला है, इसको चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, ड्राइव भी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना हो तो कर सकते हैं, तो माइनस था जैसे 2.303 लॉग 10 बेस पर n/n₀ = लेमडा इंटू टी है एक इक्वेशन, और टी हाफ का एक ले लेते हैं तो माइनस 2.3, एन का वैल्यू कितना हो गया n₀/2 लिख देंगे तो लॉग 1/2 इक्वल्स टू लेमडा इंटू टी हाफ इसको लिख सकते हैं, यहां पर एन का वैल्यू n₀/2 रख दिए, डिवाइड कर देते हैं दोनों को 1/2 कर दीजिए तो 2.303 कैंसिल आउट हुआ, तो अब तुम्हारा क्या बच जाएगा यहां पर लॉग 10 बेस पर n/n₀ / log 10^1/2 इक्वल्स टू t/t½, तो लॉग 10 बेस पर n/n₀ इक्वल्स टू t/t½ इंटू लॉग, इसको इधर कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए लॉग हाफ, और लॉग में होता है कि इसको जो मल्टीप्लाई में उसको पावर में रख सकते हैं, ये जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, लॉग n/n₀ इक्वल्स टू लॉग 10 बेस पर ½ to the power t/t½, इसको पावर में डाल दीजिए, अब दोनों तरफ से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा
तो n बाय एन नॉट इक्वल्स टू हाफ पर पावर टी बाय टी हाफ, ये तुम्हारा ये फार्मूला आ गया जिसका प्रूविंग भी आ गया तुम्हारा। तो ये फार्मूला को हम लोग यूज करें जहां पर कि हाफ लाइफ पीरियड के मतलब कि तुम्हारा जब अदरवाइज ये फार्मूला अगर जहां पर एडजस्ट नहीं होगा तो वहां तुम्हें लॉग टेबल का ही यूज करना पड़ेगा, तब तुमको इस फॉर्म पर तुमको काम करना पड़ेगा माइनस 2.33 लॉग एन बाय एन नॉट इक्वल टू लेमडा टी, तब ये फॉर्म तुम्हारा काम करेगा और लॉग टेबल के बिना तब क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो ये तुम्हारा है, जैसे देखो तुम्हारा जो अभी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुमको हम लोग 13.5 देखेंगे तो उसमें भी तुमको ये फार्मूला यूज में हमारा आ सकता है और डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसे, इस क्वेश्चन को ऐसा कुछ नहीं है, बिना लॉग टेबल के भी ये बनेगा और वो जैसे बताए डायरेक्ट सोच के भी इस फार्मूला पर भी आ जाएगा। और एनसीईआरटी बुक में जाहिर ये फार्मूला के रूप में नहीं दिया हुआ है तो वो जाहिर है कि सिंपल लॉजिक पर बना देगा। तो एक तुमको दिया हुआ है कि ट्राइटियम का हाफ लाइफ है 22.5 ईयर, तो कितना फ्रैक्शन बचेगा 25 इयर्स के बाद। तो एक तो सिंपल लॉजिक ये हो सकता है एनसीईआरटी एग्जांपल 13.5 की बात कर रहे हैं, इसमें है कि एक ट्राइटियम का हाफ लाइफ पीरियड है 12.5 इयर्स, 12.5 इयर्स और टी इक्वल्स टू 25 इयर्स के बाद उसका कितना फ्रैक्शन बच जाता है, 25 इयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन इसका बचता है इनिशियल का। तो इसका जाहिर है कि एक तो ये हो सकता है तुमको कि पहले तो हम लोग पहला 12.5 ईयर में 1/2 बचेगा, फिर अगला 12.5 ईयर में हाफ का हाफ हो जाएगा, दैट इज 25 ईयर आपका क्रॉस हो गया तो 1/4 हो गया। तो एक तो सिंपली लॉजिक से बना सकते हैं या नहीं तो हम लोग जो फॉर्मूला ड्राइव के इस पर बैठाइए तो 1/n/n0 = 1/2 पर पावर टी बाय टी हाफ, तो कितना फ्रैक्शन बचेगा अपने आ जाएगा आंसर। तो ये है 25/12.5 ईयर्स, तो 1/2 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1/4 फ्रैक्शन, 1/4 तुम्हारा क्या हो गया फ्रैक्शन इसका बचेगा, तो 1/4 पार्ट ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसको इस रूप में भी बना सकते हैं, ये हाफ लाइफ पीरियड हो गया तुम्हारा। तो इसके आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 13.5 तुम्हारा था इसका। अब है तुमको जो दिया हुआ है तुम्हारा कि इसके आधार पर अल्फा बीटा गामा जो डिके होता है, जैसा हमने शुरुआत में कहा था रेडियो एक्टिविटी में कि तुमको अल्फा बीटा और गामा तीन तरह के जो कि पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं इमिट होते हैं। तो तीन तरह के पार्टिकल जब इमिट होंगे तो अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे तो उसके कारण अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम न्यूक्लियस होते हैं तो उसके कारण मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों में क्या होता है डिक्रीज होता है, फिर बीटा भी डिके होता है फिर गामा डिके होता है। तो ये तुमको तीन तरह के डिके तुमको और बीटा में भी तुमको बीटा माइनस और बीटा प्लस दो तरह के डिके होते हैं, बीटा माइनस इज इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन। तो इन सबों के डिके को हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे जिसमें कि अल्फा डिके बीटा डिके और गामा डिके और इससे जुड़े हुए जो भी तुम्हारा होंगे जो क्वेश्चंस होंगे तुम्हारा और उसी के बाद जो न्यूक्लियर फ्यूजन ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी है न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है एटम बम हाइड्रोजन बम सन के जो एनर्जी का सोर्स है इन सबों को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट के हो तुमको कोई भी क्वेश्चंस बना रहे हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो उसमें जहां भी तुम्हें कोई भी पोर्शन अब तुम्हारा जो है कहते हैं सिलेबस भी ये तुम्हारा लगभग सारे वीडियोज ये राशुल ऐप पर अपलोड हैं, उस ऐप पर हमारा फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिस पर तुम जा करके अपने लिए तुम पर्सनल टाइम भी अलॉट करा सकते हो हमसे कभी भी संपर्क करके कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना हो कोई थ्योरी आपको समझ नहीं आ रही है जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी तो उसके लिए भी तुम ले सकते हो टाइम हमसे बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास हो या जेईई मेंस एडवांस या नीट इन सबों का प्रिपरेशन करते हो इंजीनियरिंग या मेडिकल तो उसके लिए भी तुम कभी भी जेईई का प्रिपरेशन के लिए भी टाइम तुम क्या कर सकते हो हमसे ले सकते हो नीट के लिए भी। और जहाँ भी तुम्हें पर्सनल दिक्कत हो रही है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या वहाँ पर आकर के राइटल ऐप पर तुम पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ पर्सनल हेल्प के साथ साथ तुमको उसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे वहाँ तुम लाइव क्लास ज्वाइन करके तुम अपने जो है क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हो तो और उसमें जो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन भी उस ऐप पर काफ़ी उपलब्ध हैं तो वहाँ पर आकर के तुम अपना स्टडी को आगे बढ़ा सकते हो। और एक कंप्लीट ऐप है जिसमें इंजीनियरिंग मेडिकल और बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन की जा सकती है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।